स्वर्ण शिलाजीत, रजत शिलाजीत, ताम्र शिलाजीत और लोह शिलाजीत, चार तरीके के शिलाजीत होते हैं दोस्तों। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब तक यूट्यूब पर एक भी नहीं है। हेलो गाइस, आई एम कपिल, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट एंड फिटनेस कोच इन दिल्ली। आज अपने व्यूअर्स के लिए मैं लेके आया हूँ बहुत ही एक यूनिक वीडियो, जो कि है शिलाजीत के प्रकार, कितने तरीके की शिलाजीत होती है और आपके लिए कौन सी शिलाजीत बेस्ट है। आजकल यूट्यूब के ऊपर, हमारे भी चैनल के ऊपर आपको ब्रांड्स की शिलाजीत के जो रिव्यूज़ हैं वो मिल जाएंगे, लेकिन जो लोगों को पता ही नहीं है वो ये है कि शिलाजीत भी कितने तरीके की होती है और किसको कौन सी शिलाजीत लेनी चाहिए और कितनी मात्रा में कब लेनी चाहिए। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो लोगों को पता ही नहीं है कि भाई उनके पास शिलाजीत के ऑप्शंस भी हैं। सबसे पहले जो शिलाजीत है स्वर्ण शिलाजीत, उसके अंदर गोल्ड को ऐड किया जाता है। वो कैसे बेनिफिशियल है, किसको वो लेनी चाहिए? गोल्ड शिलाजीत ऐड करने से उसके टेस्टोस्टेरोन जो लेवल है हमारी बॉडी के अंदर, जो नॉर्मल शिलाजीत बढ़ाती है उससे ज़्यादा वो बढ़ा देगी। लेकिन वो किन को लेनी चाहिए? जिनकी पित्त प्रकृति नहीं है, मतलब जिनको थोड़ा ब्लड प्रेशर लो रहता है, जिन लोगों को गुस्सा नहीं आता, जिन लोगों के मतलब ब्लड प्रेशर कंट्रोल में, हार्ट डिजीज़ कोई भी नहीं है, फैमिली में भी हार्ट हिस्ट्री, हार्ट रिलेटेड जो डिजीज़ है उसकी हिस्ट्री नहीं है, उनके लिए ये अच्छी है। वो भी एक लिमिटेड अमाउंट में, ज़्यादा लिमिट एक्सीड ना करें इसकी, क्योंकि इससे जो आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, तो दोस्तों टेस्टोस्टेरोन जो बढ़ता है वो सिर्फ कुछ पॉजिटिव चीज़ नहीं लेके आता, कुछ भी चीज़ अगर बढ़ती है तो उसके नेगेटिव्स भी होते हैं। उसके नेगेटिव्स ये हैं, आपके अंदर गुस्सा बढ़ जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म और बढ़ जाएगा और आपके ब्लड प्रेशर बढ़ने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए स्वर्ण शिलाजीत उन लोगों के लिए बेटर है जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और जिनकी बॉडी कम हीट प्रोड्यूस करती है, मतलब जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल काफ़ी कम है, जो कि आते हैं हमारे 35 साल से ज़्यादा के लोग जिनके टेस्टोस्टेरोन लेवल ऑलरेडी कम है काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद आते हैं रजत शिलाजीत, जिन लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है, जिन लोगों को हद से ज़्यादा गुस्सा आता है और जिनका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी थोड़ा हाई रहता है, उन लोगों के लिए है रजत शिलाजीत, जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन को तो बढ़ाएगी लेकिन वो आपके गुस्से को भी काबू में रखेगी। आप ज़्यादा किसी से लड़ो झगड़ोगे नहीं और आपके गुस्से को ना सिर्फ पहले जैसा रखेगी बल्कि उससे भी थोड़ा थोड़ा कम कर देगी वो। उसके अंदर ऐड होता है हमारा सिल्वर। दोस्तों एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ मेरे अपने बड़ों से भी सुनी है। जो सोना पहनते हैं, जो चांदी पहनते हैं, चांदी की मैं बताऊँगा कि चांदी पहनने से गुस्सा कम आता है भाई। वो भाई हमारे बड़े बोलते हैं तो कुछ ना कुछ रीज़न तो उसके पीछे होगा ही। वाकई भाई सबकी अपनी अपनी सोच है। जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने गूगल से या किसी से पूछ के या बड़ों से पूछ के इकट्ठी की है, वो मैं आप लोगों के लिए रख रहा हूँ। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो भाई, और काफ़ी यूनिक इन्फॉर्मेशन है, तो आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दो यार, ताकि इससे भी बेटर हम वीडियोस आप तक ला सकें। और आप जो भी टॉपिक बोलोगे आप कमेंट छोड़ दिया करो। ये वीडियो भी कमेंट्स में से मैंने पिक की थी, किसी एक भाई का क्वेश्चन था तो उसके रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई है। नंबर 3 पे हमारी ताम्र शिलाजीत है। जो सबसे पहली शिलाजीत थी वो बहुत सी कंपनियां बेच रही हैं। नंबर 2 वाली कोई ऑप्शन नहीं है, ऑनलाइन ऑफलाइन ही बनवानी पड़ेगी आपको। और नंबर 3 तो ऑफलाइन कोई बनवाता ही नहीं, वो है ताम्र शिलाजीत। ताम्र शिलाजीत के बारे में बता दूं कि ताम्र शिलाजीत के जितने भी बेनिफिट्स जो सिंपल शिलाजीत से इंक्रीज होते हैं वो स्वर्ण शिलाजीत जैसे ही हैं, लेकिन स्वर्ण शिलाजीत से थोड़े कम होते हैं। इफेक्टिवनेस थोड़ी सी बढ़ती है लेकिन स्वर्ण शिलाजीत इतनी नहीं बढ़ती, तो लोग इसको बिल्कुल अवॉइड करते हैं। मैं भी रिकमेंड करूँगा आप इससे बेटर या तो आप सिंपल वाले शिलाजीत ले लो या आप स्वर्ण ले लो। अब आते चौथे नंबर वाले शिलाजीत। चौथे नंबर वाले शिलाजीत सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जो कि रोज शिलाजीत, मतलब शिलाजीत को जैसे एक्सट्रैक्ट किया वैसे का वैसा, या तो किसी जहाँ से, जहाँ पर शिलाजीत जिसने एक्सट्रैक्ट किया डायरेक्ट उससे ले लिया, या आप बड़ी बड़ी कंपनियाँ हो गई जैसे कपीवा हो गई, हिमालय हो गई, पतंजलि होगी, आजकल मसल ब्लेस भी इस इंडस्ट्री के अंदर आ गया है, तो उनकी आप जो नॉर्मल वाली शिलाजीत आती है उसको लोगे तो उसके अंदर आपको यही शिलाजीत मिलेगी। इस शिलाजीत का बेनिफिट ये है कि इसके अंदर कुछ भी एडिड नहीं है, लेकिन फिल्ट्रेशन प्रोसेस से जो हमारे पास प्रोसेस होने के बाद आती है उससे इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस कम हो जाते हैं, इम्प्योरिटीज़ वो दूर हो जाती हैं। और उसका ये बेनिफिट है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी नॉर्मल, मतलब इसके माइल्ड रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट तो अच्छे हैं लेकिन एज कम्पेयर टू स्वर्ण शिलाजीत इसके रिजल्ट माइल्ड हैं। ये हमारे 30 से कम उम्र वाले भाइयों के लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि हमको इतनी ज़्यादा बूस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बात आप ध्यान रखिए
आप इसकी डोज को ज़्यादा ना लें। आप बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाई 3 गुना 4 गुना डोज ले लें। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि 3 गुना ज़्यादा 4 गुना ज़्यादा डोज गलत है या नहीं है। आपने जो जवाब एक्सपेक्ट किया होगा वो मैं नहीं दूंगा, गलत नहीं है। लेकिन उसका एक तरीका होता है, उस तरीके के ऊपर हम बात करेंगे कैसे हम उसके इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं ज़्यादा डोज लेकर के भी। और ज़्यादा डोज लेते टाइम हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमको वो साइड इफेक्ट ना करे। तो सिंपल वाले शिलाजीत मेरे 30 से कम उम्र वाले भाई ले सकते हैं। अब बात आती है ब्रांड की। तो एक कमेंट मैंने देखा था कि बोला बोला था भाई ने एक ने कि भैया आप तो कपिवा को प्रमोट कर रहे हो यार। अब एक चीज़ है, वो किसी से बेटर रिजल्ट दे रही है तो मैं अपनी ऑडियंस को झूठ बोल दूँ क्या? अब मान ले किसी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो मैं क्या उसको बेटर बनाना बताना शुरू कर दूँ क्योंकि वो नया है? नहीं, उससे बेटर जो भी होगा वो मैं ज़रूर बताऊँगा। और हालांकि मेरे को उस जितना अच्छा एक कंपिटिटर मिल भी गया है, मैंने उसके ऊपर रिसेंटली वीडियोस भी बनाए जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर, उनको तो पता ही है कि एक हफ्ते के बाद उसकी रिव्यू वीडियो आने वाली है और वो बिल्कुल बिल्कुल कपिवा की टक्कर का है, उससे कम नहीं है और प्राइस उससे कम है। तो वो वीडियो एक हफ्ते के बाद आ रही है, तो वो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो ये चारों शिलाजीत बारे में मैंने आपको बता दिया है, आपके लिए कौन सी बेटर रहेगी ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे फिट स्टे हेल्दी दोस्तों।